भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा लेटर भेजने के मामले में एमपी एटीएस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान खान को गिरफ्तार किया है। एटीएस उसे भोपाल लाकर पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सैयद धारे गांव में क्लिनिक चलाता है। सांसद साध्वी प्रज्ञा को धमकी भरा पत्र भेजने वाला संदिग्ध डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान खान नांदेड़ के धाने गांव से पकड़ा गया। वह करीब 3 महीने से पुलिस की रडार पर था। डॉक्टर सैयद इसके पहले भी कई सरकारी अधिकारियों को इसी तरह के धमकी भरे पत्र लिख चुका है। उसे पहले भी इस तरह के केस में गिरफ्तार किया गया है। यह बात भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस उस पर निगाह रखने के लिए उसकी मोबाइल लोकेशन पर नजर रखती है, लेकिन डॉक्टर सैयद अपना मोबाइल घर पर छोड़कर बस से औरंगाबाद, नागपुर और अन्य शहरों में पहुंचा और इन पत्रों को पोस्ट कर दिया करता था। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पिछले दिनों एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के फोटो पर क्रॉस बना हुआ था। इसके साथ ही लेटर में आतंकी हमले की धमकी भी दी गई थी। सांसद की शिकायत पर भोपाल की कमला नेहरू थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।